अगली खबर में बात करते हैं कानपुर देहात की, जहां जिलाधिकारी नेहा जैन के द्वारा उच्च प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर पुखराया, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पुखराया और प्राथमिक विद्यालय बाटवारा पुखराया नगर अमरौधा का औचक निरीक्षण किया गया। वह कमी मिलने पर तत्काल दुरुस्त करने के साथ ही स्वेच्छा जागृत कर गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने हेतु कार्य करने की बात कही गई। उन्होंने सर्वप्रथम उच्च प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर का निरीक्षण किया, जिसके द्वार पर आते ही उन्हें विद्यालय का लेवल RCC से नीचे होने पर उन्होंने तत्काल JE नगर पालिका को रेन वाटर संयंत्र को ढलान के अनुरूप दिए जाने के निर्देश दिए। विद्यालय की कक्षाओं में विद्युत कनेक्ट सर्व पंखा ना होने के फलस्वरूप घोर निंदा करते हुए कड़ी फटकार लगाई तथा शीघ्र आवश्यक प्रबंध किए जाने के निर्देश संबंधित को दिए। उन्होंने हाल ही में नगर पालिका द्वारा कराए गए कायाकल्प कार्यों का निरीक्षण करते हुए किए गए कार्य की गुणवत्ता में कमी के दृष्टिगत तत्काल व्यवस्थित रूप से कार्य किए जाने को निर्देश दिए। इस दौरान चेयरमैन सत्यप्रकाश संखवार, अधिशासी अधिकारी पुखरैया नगर अजय कुमार व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धि पांडे, उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान देवेंद्र स्वरूप सचान सहित JE नगर पालिका कैलाश व कार्यदायी संस्था UPPCL JE सहित शिक्षक उपस्थित रहे। आपके द्वारा नगर पालिका क्षेत्र पुखराया में विद्यालयों का निरीक्षण किया गया, क्या स्थिति पाई? एक्चुअली नगर पालिका क्षेत्र पुखराया में वार्ड नंबर 17 और वार्ड नंबर 12 में आज स्कूल देखे गए हैं। यहाँ पे नगर पालिका द्वारा कुछ कायाकल्प का कार्य कराया गया है, उसका भी फिजिकल इंस्पेक्शन किया गया है और जो स्कूल्स में लर्निंग लेवल है और जो कायाकल्प की स्थिति है उसका पूरा एक सम्यक मॉनिटरिंग करने का प्रयास आज हमारे द्वारा किया गया है। हम ऐसा पूरी टीम थी, बेसिक शिक्षा की डाइट परिसर भी हमने देखा है। डाइट परिसर में निर्माणाधीन 5 क्लासरूम्स हैं जो बन रहे हैं, एक हॉल है जो निर्मित हो चुका है। तो यही सब विकास कार्यों का और शैक्षणिक गुणवत्ता का निरीक्षण करने के उद्देश्य से आज मैं पुखराया आई। मैडम, आपने अभी पुखराया नगर पालिका क्षेत्र के प्राइमरी स्कूल में प्रधानाचार्य को फटकार लगाई है, बच्चे की उपस्थिति कम है, इसका क्या? एक्चुअली आप देखिए 228 बच्चे पंजीकृत हैं और मात्र 80 उपस्थित हैं, जबकि त्यौहार का सीज़न अब ख़त्म हो चुका है, दशहरा भी ख़त्म हुए एक दिन हो चुका है, तो इतनी कम उपस्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए मैंने BSA और डाइट प्राचार्य को बोला है कि स्कूल का विधिवत विस्तृत निरीक्षण भी करें और ये कॉज पता करें कि 100 बच्चे जो हैं, 100-150 बच्चे ये कहाँ जा रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे इतने बच्चे। इसलिए मैंने प्रधानाचार्य को समझाने की कोशिश करी है।